खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस सेवा दल ने बढ़ती महंगाई के विरोध में शनिवार को इनामी मैराथन दौड़ करवाई। मैराथन जीतने वालों को 10 लीटर पेट्रोल, 5 किलो सोयाबीन तेल और 1 किलो नींबू का इनाम दिया गया। पेट्रोल, सोयाबीन तेल और नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, इससे लोगों का बजट गड़बड़ा रहा है। इसीलिए कांग्रेस सेवा दल मैराथन में महंगी चीजों का इनाम दिया गया। शहर से बड़ा गणपति चौराहे से राजमोहल्ला चौराहे तक आयोजित 1 किलोमीटर की दौड़ महिला और पुरुष दो वर्गों में आयोजित की गई। दौड़ के लिए दोनों वर्गों में कुल 700 रजिस्ट्रेशन हुए थे। वहीं सुबह से ही बड़ा गणपति चौराहे पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारियों का भी जमावड़ा लगा रहा। मैराथन दौड़ में बालिका वर्ग में रितिका सोनगिरा को प्रथम पुरस्कार मिला। रितिका को 10 लीटर पेट्रोल इनाम के रूप में दिया गया। गरिमा ठाकुर को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5 लीटर सोयाबीन का तेल और ऋषिका बुरासी को तृतीय पुरस्कार के रूप में 1 किलो नींबू मिले। वहीं पुलिस वर्ग में मल्हार आश्रम के मयंक गौड़ पहले, ऋषि मनावर दूसरे और सुधीर पाल तीसरे स्थान पर रहे। इंदौर शहर कांग्रेस सेवा दल का मैराथन दौड़ कराने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई का विरोध करना रहा। दौड़ शुरू होने के पहले महंगाई डायन खाए जात है गाना भी बजाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इंदौर शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर सहित खाद्य पदार्थों के भाव आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान खींचने के लिए मैराथन दौड़ आयोजित कराई गई थी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि कांग्रेस जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।